इस बार की दिवाली पर महंगाई के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने की उम्मीद है। मिठाइयों से लेकर घरों, गाड़ियों और गैजेट्स तक हर तरफ बिक्री में जोरदार उछाल आने का अनुमान है। व्यापारी संगठनों के अनुमान के मुताबिक ओणम से लेकर दिवाली तक चलने वाले इस साल के त्योहारी सीजन में बाजार में 2.5 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 8 से 10% ज्यादा होने का अनुमान है। इस बिक्री में परंपरागत बाजारों और ई कॉमर्स के जरिए टीवी, घरेलू उपकरणों, FMCG, खाद्य और गैर खाद्य सामान, कपड़ों जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री की वजह से इजाफा होगा। इस बार के फेस्टिव सीजन में कार बाजार और प्रॉपर्टी मार्केट भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। 26 सितंबर को पहले नवरात्र से लेकर 4 अक्टूबर के आखिरी नवरात्र के दौरान कारों की रिटेल बिक्री में 57% का इजाफा हो चुका है। इसी तरह दिल्ली NCR में घरों की बिक्री में इस बार के फेस्टिव सीजन में 40% के इजाफे का अनुमान है। यूपी रेरा में पहली बार सितंबर में नए प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन 3600 करोड़ की कीमत के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। लेकिन मामला केवल इन महंगे प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। त्योहारों में बिक्री बढ़ाने में घर और कार के साथ साथ दियों और झालर तक हर छोटा बड़ा सामान योगदान करता है। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली के दौरान छोटे से लेकर महंगे दाम तक के करीब 5 करोड़ गिफ्ट दिए और लिए जाते हैं। ये आंकड़ा दिवाली की बिक्री में बड़ा योगदान करता है। हालांकि इस बार के त्योहार पर महंगाई को लेकर जानकार चिंतित हैं। खास बात है कि इस बार दिवाली पर चीनी सामान का भी बहिष्कार किया जा रहा है। लोग देश में बने मिट्टी के सामान से लेकर झालरों तक सब कुछ मेड इन इंडिया खरीद रहे हैं। व्यापारी संगठनों का अनुमान है कि इसे चीन को इस बार दिवाली पर 60,000 करोड़ का झटका लगेगा।